बिल्कुल सुमारे, देखिए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस रखे गए थे जिसमें व्हाट्सएप चैट और इसके अलावा जो चैट खास तौर पर हवाला ट्रेडर्स के साथ हुई और इसके अलावा जो आयकर विभाग से संबंधित डिटेल्स मिली हैं ईडी को वो रखी गई हैं, गवाहों के जो बयानात हैं और वॉइस है जो रिकॉर्ड की गई है वो भी है। तो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, डायरेक्ट एविडेंसेस और गवाह जो हैं इस मामले में सीधे तौर पर हाईकोर्ट के सामने ईडी की ओर से ये स्पष्ट किया गया है कि इस मामले में जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है वो अरविंद केजरीवाल का है, वो इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता की भूमिका में है। भले ही उन्होंने सीधे तौर पर कोई एक्ट नहीं किया लेकिन उन पूरी जो भूमिका थी उनकी वो मुख्य भूमिका थी क्योंकि सब कुछ किया धरा उन्हीं का है। तो इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए तमाम एविडेंसेस खास तौर पर ईडी की ओर से पेश किए गए हैं और मनी ट्रेल को लेकर भी स्पष्ट कर दिया गया है कि मनी ट्रेल भी है और वो भी समय आने पर पूरी सामने तरीके रख दिया से जाएगा। ईडी ने अपनी तरफ से पुख्ता सबूत और दस्तावेज सामने रखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सामने रखे हैं। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए, जितेंद्र अब जो कोर्ट की तरफ से बताया जा रहा है उसमें जो गवाह हैं उनके गवाही को लेकर भी सवाल उठाए गए थे अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा, जो वकील हैं अरविंद केजरीवाल के, उस पर भी अब बात की जा रही है कि कैसे उन्होंने कब कब गवाही दी है और उस गवाही में क्या कहा गया। जितेंद्र जी बिल्कुल सुमेरा, देखिए अब से कुछ देर पहले जो हम बात कर रहे थे गोवा इलेक्शन में जो साउथ लोबी की तरफ से 100 करोड़ रुपए आए थे जिसमें से 45 करोड़ रुपए गोवा इलेक्शन के दौरान आम आदमी पार्टी की तरफ से इस्तेमाल किया गया, हवाला के जरिए पैसा गोवा पहुंचा, जो हम जिक्र कर रहे थे वो उसी पर टिप्पणी अदालत की तरफ से की जा रही है जिसमें जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने बोला है कि 8 मार्च को ईडी द्वारा आम आदमी पार्टी के गोवा के एक उम्मीदवार के बयान दर्ज किए गए थे और ये ही वो बयान थे जिन्हें अरविंद केजरीवाल के सामने रखकर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की गई थी क्योंकि अरविंद लगातार 45 करोड़ रुपए के इस्तेमाल की बात से मनाही कर रहे थे, इनकार कर रहे थे, लेकिन उन्हीं के उम्मीदवार के जो बयान ईडी ने रिकॉर्ड किए और वही बयान अरविंद केजरीवाल के सामने रखकर उनसे पूछताछ की गई। इसके अलावा अभिषेक मनु सिंह भी जो अरविंद केजरीवाल के वकील थे, जी बोलिए बोलिए जी जी बिल्कुल, देखिए अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ तौर पर कहा कि जो बयान गवाहों के रिकॉर्ड किए गए उन गवाहों के बयानों पर अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीधे तौर पर सवाल खड़े किए हैं। इसके अलावा जो राघव मंगुंटा रेड्डी थे जो कि श्रीनिवासवल्लू के रेड्डी के बेटे हैं जो शराब कारोबारी हैं, उनके भी 26 जुलाई को बाकायदा पीएमएलए के लेकिन जितेंद्र इसी से जुड़ा एक और पक्ष कोर्ट ने सामने रखा है, पीयूष से उसके बारे में बात करते हैं। पीयूष, कोर्ट ने कहा है कि आप सवाल उठा रहे हैं सरकारी गवाह पर लेकिन ये तो कोर्ट के सामने बयान दर्ज किए हैं, यानी आप कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं ईडी पर नहीं। पीयूष बिल्कुल सुमेरा, देखिए हाई कोर्ट की ओर से जो आदेश दिया जा रहा है उसमें स्थितियां लगभग स्पष्ट की जा रही हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से गवाहों खास तौर पर अप्रूवर्स को लेकर के जो सवाल उठाए गए थे तो कोर्ट का ये कहना है, हाई कोर्ट का ये कहना है कि आप ये जो सवाल उठा रहे हैं उसमें सिर्फ एप्रीहेंशन आप गवाह के बयान पर नहीं जता रहे हैं बल्कि कोर्ट पर भी जता रहे हैं क्योंकि कोर्ट के सामने ही ये गवाही कराई गई है और ऐसी स्थिति में जबकि कोर्ट के सामने गवाही हुई है तो कहीं से भी किसी को भी प्रभावित करने का मामला नहीं हो सकता है। कुल मिलाकर के हाई कोर्ट का ये कहना है, अब देखना ये होगा कि आदेश के अंतिम जो पंक्तियां होंगी उसमें क्या कहता है हाई कोर्ट और इस मामले में अभी तक का जो निष्कर्ष निकाला जाए तो ईडी के पक्ष में बात जाती हुई दिख रही। लेकिन क्योंकि गिरफ्तारी वैध है या नहीं ये कोर्ट ने साफ कर दिया, इस पर फैसला सुनाया जाएगा। कौन कौन से आधार रखे गए हैं अरविंद केजरीवाल के पक्ष द्वारा ये बताते हुए कि ये वैध नहीं है गिरफ्तारी? बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल की ओर से ये कहा गया है कि राजनीति से प्रेरित है ये गिरफ्तारी और इलेक्शन जब लोकसभा चुनाव घोषित हो गए उसके बाद ये गिरफ्तारी की गई। हालांकि ईडी की ओर से ये स्पष्ट कर दिया गया कि 9 सम्मन भेजे जा चुके थे और हाईकोर्ट में भी जब याचिका आई थी और हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर पर ये देख लिया था कि ईडी के पास कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं जिनके आधार पर वो सम्मन कर सकती है और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनसे सवाल जवाब कर सकती है। उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल की ओर से लगातार जो ईडी के संबंध थे उनको नज़रअंदाज किया जा रहा था। तो इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ईडी की ओर से गिरफ्तारी की गई
और जो इस याचिका में अरविंद केजरीवाल की ओर से जो याचिका दाखिल की गई उसमें सीधे तौर पर ईडी की जो कार्रवाई है उसको राजनीति से प्रेरित बताया गया, राजनीति से प्रेरित बताया। लेकिन पीयूष, राजनीति से प्रेरित तो गवाहों के बयान को भी बताती रही है आम आदमी पार्टी। जितेंद्र, गवाहों के बयान को आम आदमी पार्टी कहती रही है कि ये प्रभावित हैं, इनको इन्फ्लुएंस किया गया है, दबाव में बयान दिए गए हैं, और उन सवालों पर अब कोर्ट की तरफ से पक्ष रखा गया है। कोर्ट ये कह रहा है कि जो सवाल अगर आप उठा रहे हैं तो वो सिर्फ ईडी पर सवाल नहीं उठा रहे, ये तो कोर्ट के सामने बयान दर्ज हुए हैं, सरकारी गवाह तो कोर्ट ने तय किया है। ये बात अब जब कोर्ट की तरफ से कही जा रही है तो इसको किस तरह से समझें आप? जी बिल्कुल, देखिए कोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी करते हुए कहा गया है कि सरकारी गवाहों की सत्यता को परखने का काम अदालत का है, कोर्ट का है। ये कानून 100 साल से पुराना है, कभी भी अप्रूवर बनाए जाने के कानून पर सवाल नहीं उठे हैं, यानी कि पहली मर्तबा हुआ है जब कोर्ट ने जिसको अप्रूवर बनाया हो, जिसके बयान अदालत के सामने रिकॉर्ड किए गए हों और उसी के बयानों पर सवाल खड़े कर दिए गए हों। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी अरविंद केजरीवाल के वकील के ऊपर करते हुए अदालत ने ये बात बोली है। जी हाँ, तो ये कहा जा रहा है कोर्ट की तरफ से कि ये सवाल जो आप उठा रहे हैं वो कोर्ट की प्रक्रिया पर सवाल उठाया जा रहा है, कोर्ट के सामने बयान दर्ज किए गए थे उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पीयूष, क्योंकि एक मुख्य मुद्दा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो लगातार जो गवाही है उसी को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताते हैं तो दूसरी तरफ गवाहों के बयान को भी कहते हैं कि वो भी दबाव में लिया गया बयान है। पीयूष, बिल्कुल, देखिए इस मामले में कहीं ना कहीं जो वकील थे उनकी तरफ से एक चूक कही जाएगी, चूंकि अदालत के सामने जब सीआरपीसी 164 के तहत बयान दर्ज कराया जाता है तो साथ ही ये अभी एक और अपडेट कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि अरविंद केजरीवाल अगर चाहें तो वो क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं गवाहों पर, गवाहों के बयान को लेकर। इसका क्या मतलब है, यानी अगर वो सवाल उठा रहे हैं तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं लेकिन इस तरह से सवाल नहीं उठा सकते, क्या ये इससे मतलब निकाला जाए, क्या मतलब निकाला जाए पीयूष? बिल्कुल, देखिए जब मुकदमा चलेगा यानी कि निचली अदालत में जब ट्रायल होगा तो ट्रायल के दौरान उनके वकील जो गवाह ईडी की ओर से पेश किए जाएंगे उनको क्रॉस किया जा सकता है, यानी कि उनसे सवाल किए जा सकते हैं, और अगर उन सवालों में कहीं गवाह गलत बयानी करते हैं तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ उन्होंने गवाही जो दी है वो ठीक नहीं है। तो ये कोर्ट का ये कहना है कि आप अभी सीधे तौर पर ऐसी आर्टिकल 226 के तहत रिट पिटीशन क्रिमिनल दाखिल करके आप सीधे तौर पर जो मामला अभी ट्रायल में है यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं, और जबकि 164 के तहत बयान दर्ज कराए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में अभी आप जो गवाह हैं उन पर सवाल नहीं उठा सकते हैं क्योंकि वो कोर्ट पर ही सवाल उठाना होगा, और जब ट्रायल चलेगा तब आपको क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका मिलेगा, यानी कि मुकदमे के दौरान आपको गवाहों से सवाल करने का मौका मिलेगा, और उस दौरान आप ये स्पष्ट कर सकते हैं कि गवाही जो दी गई वो सही है या फिर नहीं है।